नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। आज सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव में यूपी की दो हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली की करेंगे। आज ये साफ हो गया कि कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार इन दोनों सीटों से चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। फैसला सामने आने के बाद राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आज से ठीक एक महीना पहले राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को केरल के वायनाड से पर्चा भरा था। आज उन्होंने यूपी की रायबरेली सीट से नामांकन किया। रायबरेली में पर्चा भरते वक्त राहुल के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी फिर से अमेठी लौटेंगे, लेकिन सोनिया गांधी ने चुनावी मैराथन में 20 साल बाद अपनी विरासत का बटन जो है वो राहुल गांधी को रायबरेली में थमा दिया। पिछली बार राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए हैं। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार के मेंबर्स के पास रही हैं। पहली बार पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है। इसी बात को लेकर आज राहुल गांधी और कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर भी रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सीट बदलने के फैसले की वजह हार के डर को बताया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल इन तमाम जुबानी हमलों के पीछे अपनी सियासी वजह है। रायबरेली और अमेठी सीट शुरुआत से ही कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी रही है। बात अगर रायबरेली की जाए तो कांग्रेस के लिए किला किसी तरह अभेद रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि आजादी के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर 2019 तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि हुआ कैसे। 1952 से 1957 के चुनाव में फिरोज गांधी ने यहां पर जीत हासिल की थी। 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने यहां पर विजय पताका फहराई थी, लेकिन 1977 में समाजवादी पार्टी के राज नारायण ने इंदिरा गांधी को 55,202 वोटों से शिकस्त दे दी। हालांकि 3 साल बाद ही 1980 में क्या हुआ, 1980 की तस्वीर समझिए। वहां के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने करीब 2.25 लाख मतों से बड़ी जीत अपने नाम कर ली। आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव जीतने की वजह से इंदिरा ने रायबरेली सीट छोड़ दी। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अरुण नेहरू ने कांग्रेस राज कायम रखा। 1984 में अरुण नेहरू ने जीत का सिलसिला जारी रखा। 1989 में शीला कौल ने कांग्रेस से जीत हासिल कर ली, लेकिन 1996 में बीजेपी ने कांग्रेस का किला ढा दिया। 1996 की पिक्चर आपने समझी। 1996 और 1998 लगातार 2 बार बीजेपी के ही अशोक सिंह
ने यहां से जीत हासिल की। साल 1999 में कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, ये सीट वापस कांग्रेस के पाले में आ गई। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी ने लगातार 5 बार कांग्रेस का परचम लहराया है। और चलिए वही बात अगर अमेठी की कर ली जाए तो रायबरेली की ही तरह अमेठी पर भी कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों और 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने यहां 16 बार जीत का परचम फहराया, सिर्फ 3 बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। अब समझिए इसको भी, 1952 में हुए पहले आम चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के बालकृष्ण विश्वनाथ केशकर सांसद बने थे। अमेठी तब सुल्तानपुर दक्षिण लोकसभा सीट का हिस्सा माना जाता था। 1957 में केशकर ने एक बार फिर कांग्रेस को जीत दिलाई। अमेठी तब मुसाफिर खाना लोकसभा सीट का हिस्सा बन गया। 1962 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राजा रणजय सिंह ने यहां पर मुसाफिर खाना सीट को अपने नाम कर लिया, यानी उन्होंने जीत दर्ज की। 1967 के आम चुनाव में यहां पर अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आ गई और कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद बन गए। 1971 में विद्याधर वाजपेयी दोबारा से अमेठी के लिए सांसद बन गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। रणजय सिंह के बेटे संजय सिंह चुनाव हार गए। भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह यहां पर सांसद चुने गए, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने यहां पर वापसी की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने यहां पर जीत दर्ज की। संजय गांधी की मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने एक बार फिर से अमेठी सीट अपने नाम कर ली, एक बार फिर से उनको जीत मिली। 1989 और 1991 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला लगातार जारी रखा। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद अमेठी में उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बन गए। 1996 में सतीश शर्मा ने दूसरी बार यहां पर जीत दर्ज की। 1998 में कांग्रेस को दूसरी बार यहां पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी जिनका नाम था संजय सिंह, उन्होंने सतीश शर्मा को शिकस्त दी। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट पर कब्जा कर लिया। साल 2004 और साल 2009 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला यहां पर जारी रखा। 2014 में राहुल गांधी सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए थे। तो देखिए 2019 से पहले तक अमेठी कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित सीट साबित हुई, लेकिन 2019 में बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस की नींव हिला दी थी। चलिए ये तो थी बात हाई प्रोफाइल सीट और उम्मीदवार की, लेकिन वोट फॉर गुड में बात अलबेले उम्मीदवारों की कर लेते हैं जो बिना किसी सहारे के चुनावी नैया में पार करने निकल पड़े हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इस चुनावी सीजन के अलबेले उम्मीदवारों के साथ। चुनावी बेला की उमंग है, हर रोज नए रंग है। ये तस्वीर देश की राजधानी से आई है। राजधानी की दक्षिण दिल्ली सीट से अब की बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आजादी के बाद से अब तक कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सबक है कि आज आजादी के 75 वर्ष बाद मेरे जैसा भी एक आदमी आ रहा है और दिल्ली से देश के सबसे बड़े सदन के लिए हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली सीट से चुनावी दंग में दम भरने वाले ये शख्स राजन सिंह है। राजन सिंह ट्रांसजेंडर है और अब की बार दक्षिण दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 75 वर्षों बाद दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि कोई थर्ड जेंडर कम्युनिटी से नामांकन कर रहा है। ये आजादी दिवस है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती है कि आज हम जैसे लोग भी नामांकन करके और देश के सबसे बड़े सदन के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे राजन सिंह बेहद खास अंदाज में नामांकन के लिए निकले। बदन पर सफेद धोती, सफेद अंगोछा और सिर पर सफेद टोपी पहने राजन सिंह हाथों में नामांकन फॉर्म को बेहद गर्व के साथ थामे हुए हैं। पूरे रास्ते लोगों को बेहद शान से नामांकन फॉर्म दिखाते चल रहे थे।
दिल्ली की सातों सीटों पर छठे चरण में यानी 25 मई को चुनाव होना है। 100 नामांकन के साथ ही राजन सिंह प्रचार अभियान में जुट गए हैं। दिल्ली में राजन सिंह की तरह ही यूपी के बांदा में मोहनलाल की चुनावी दावेदारी अपने आप में खास है। चित्रकूट में कलेक्टर ऑफिस के बाहर अपनी खास स्कूटी पर बैठकर इंतजार करते ये शख्स मोहनलाल धुरिया है। मोहनलाल दिव्यांग है, लेकिन मोहनलाल के पैरों की सीमित ताकत उनके असीमित हौसले का रास्ता नहीं रोक पाई। मोहनलाल लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने पहुँचे हैं। मोहनलाल पीठ पर एक पिट्ठू बैग टांगकर अपनी स्कूटी से कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। स्कूटी को बाहर पार्क किया, लेकिन अंदर जाना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मोहनलाल को सहारा देकर कलेक्टर के नामांकन कक्ष तक पहुंचाया। मोहनलाल कहते हैं कि लोकसभा चुनाव जीत गए तो अपनी इसी टूटी स्कूटी से संसद भवन भी जाएंगे। मोहनलाल की हिम्मत की दाद देनी होगी, न पैसा है न संसाधन और शारीरिक चुनौतियां अलग, लेकिन तमाम मुश्किलों को दरकिनार कर वो देश की सड़क पर सीना ताने खड़े हैं। खाली जेब भी चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। मोहनलाल जैसे लोगों के लिए ही दुष्यंत कुमार ने लिखा था, सामान कुछ नहीं है, फटेहाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है, वही संविधान जो देश में विधाता और पैमाने के खांचे में फिट होने वाले हर नागरिक को, हर मोहन को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, यानी लोकतंत्र की खूबसूरती है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेले उम्मीदवार के बाद बात अब अनोखे प्रचार की कर लेते हैं। अनोखे प्रचार की एक और तस्वीर आई है पश्चिम बंगाल के नादिया से सामने, जहां टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रचार के लिए पहुंची थी। प्रचार के दौरान ममता दीदी ने वोटर की ताल से ताल मिलाई। प्रचार रैली के दौरान स्टेज पर लोगों के बीच ममता बनर्जी थिरकती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पिछले काफी दिनों से ममता बनर्जी के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं। कभी वो समर्थकों के बीच में झूमती गाती नजर आती हैं, तो कभी चाय बागान में वर्कर्स के साथ चाय का स्वाद लेने पहुंच जाती हैं। यानी वोटर्स को मनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। प्रचार की कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी आई हैं, जहां चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव सुरीले अंदाज में प्रचार करते नजर आए हैं। तेजस्वी ने चुनावी मंच पर भाषण देने से पहले गा गा कर विरोधियों पर निशाना साधा। तेजस्वी के चुनावी राग में सुरों का तो कह ही नहीं सकते, लेकिन तंज की धार काफी तेज थी। वैसे देखिए, इन दिनों देशभर में चुनाव के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। साड़ियों के शहर सूरत को ही ले लीजिए, जहां आधी आबादी को चुनावी प्रिंट वाली सियासी साड़ियां बड़ी पसंद आ रही हैं। देशभर से इन चुनावी साड़ियों के ऑर्डर सूरत के व्यापारियों को लगातार मिल रहे हैं। चुनाव किस पार्टी और नेता के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे, ये तो जून की 4 तारीख ही तय करेगी, लेकिन सूरत के साड़ी व्यापारियों के लिए चुनाव अभी से गुड न्यूज लेकर आ गए हैं। चुनाव के दौरान देश के हर रंग में मानो चुनावी रंग खुल गया है। वो वक्त और था जब प्रचार बस सड़कों और रैलियों तक सीमित रहता था। अब डिजिटल प्रचार के दौर में चुनावों की चहल पहल मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए पहले हमारे घरों के भीतर पहुंचना शुरू हुई और अब ये हमारे पहनावे तक भी पहुंचे हैं। सूरत में मौजूद एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में इन दिनों बीजेपी के चुनावी प्रिंट वाली इन साड़ियों का क्रेज है। बार जो साड़ियां बनी है उनकी क्वालिटी कॉटन लिनन के ऊपर डिजिटल प्रिंट के द्वारा वो साड़ियां तैयार की गई है, जो भाजपा के इलेक्शन को ध्यान में रख के वो साड़ियां तैयार की गई है
और ये सारी साड़ियाँ मोदी जी के जो क्षेत्र है वाराणसी, उस क्षेत्र में भेजी जा रही है। करीबन 4 से 5 हज़ार साड़ी का हमारे पास ऑर्डर आया है इसका, जिसमें से 2-2.5 हज़ार साड़ी गई है और 2-2.5 हज़ार साड़ी जानी बाकी। सूरत में कई शोरूम्स पर पीएम की तस्वीर वाली ये साड़ियाँ बिक रही हैं। इन साड़ियों पर पीएम के साथ साथ उनकी पार्टी का स्लोगन और उपलब्धियों से जुड़ी तस्वीरें भी प्रिंट की गई हैं। साड़ियों का रंग और आर्ट वर्क तो खास है ही, लेकिन चुनाव के दौरान पड़ रही तपती गर्मी के हिसाब से इनका फैब्रिक भी बेहद सोच समझ कर चुना गया है। जो समय गर्मी का मौसम चल रहा है उसके वजह से कॉटन और लिनन का डिमांड ज्यादा है, इसके वजह से ही कॉटन के ऊपर में डिजिटल प्रिंट करा के वो साड़ियाँ भेजी जा रही है। पहनने में कंफर्टेबल होता है, स्किन फ्रेंडली होती है साड़ियाँ, और लोग बार अगर कोई भी महिला ने अगर उसको 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक भी अगर पहन कर रखा तो उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। वैसे तो सूरत में बनी साड़ियाँ देश में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन इन दोनों चुनावी माहौल के चलते चुनावी प्रिंट वाली इन साड़ियों की अच्छी खासी डिमांड है। अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, तो जितने भी बीजेपी प्रेमी या मोदी प्रेमी कार्यकर्ता हैं वह हम लोग को साड़ी का ऑर्डर देते हैं, ताकि हर शहरों में वहाँ जो कार्यकर्ता लेडीज कार्यकर्ता हैं वो साड़ी पहने और गांव-गांव तक इसका प्रचार हो। साड़ी व्यापारियों के मुताबिक चुनाव से पहले लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी समेत देश के कई बड़े शहरों में इन साड़ियों की बिक्री हो रही है। पूर्वांचल के शहर हैं, जैसे वाराणसी है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, कानपुर है, एमपी के कुछ बेल्ट हैं, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हर जगह जो जो कार्यकर्ता है वो अपने सुविधा अनुसार साड़ी मंगवाते हैं कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए। वैसे चुनावी मौसम में तैयार हुई ये साड़ी वोटर्स की आधी आबादी को रिझाने का अच्छा तरीका साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए चुनावी नैया में सब सवार है, लेकिन नैया पार किसकी लगेगी ये तस्वीर साफ होगी 4 जून को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाकी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।